जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे पावर में, तब बहुत लोगों ने कहा था कि ये एक एंटी मुस्लिम फिगर होगा, और उसके बाद तुरंत योगी जी आ गए तो फिर तो ये कहने लग गया कि अब इस देश में मुस्लिमों का रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड लेवल पे बहुत ना के बराबर मुस्लिमों की संख्या जो ऐसा सोचे, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं। और अब ये बिल्कुल परिभाषा बदल गई है मोदी और योगी से कि ये लोग एंटी मुस्लिम हैं या फिर मुस्लिमों के खिलाफ कुछ करते हैं। तो अभी रिसेंट में मोदी जी को एक अवार्ड मिला है, ये यूए के बड़े अवार्डों में से एक है, और इसे इनको नवाजा गया है। आपके बगल में स्क्रीनशॉट आ रही होगी, देख सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ी बात है, एक अच्छी बात है कि एक पूरी इस्लामिक कंट्री, एक्चुअली देखा जाए तो पाकिस्तान और शायद गिने चुने एक ही दो ऐसे कंट्रीज़ होंगे जो मोदी को पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन दुनिया का हर देश और हर इस्लामिक देश मोदी को बहुत पसंद करता है, उनके काम को लेके, इंडिया में जिस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं हर चीज़ को लेके। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या कांग्रेस फिर से वही रट्टा लगाएगी इस अवार्ड के बाद, कांग्रेस का फिर से वही चीज़ दोहराती रहेगी कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं विनोद दुआ, उनको एक्सपोज करने के ऊपर। अब एक्सपोज वो वीडियो में एंड में कितना होते हैं वो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं फैक्ट्स रखूँगा कि कैसे वो बीजेपी को सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम लेके चलती है, और बाकी पार्टियां, और उनको कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और महागठबंधन से बहुत उम्मीदें हैं। और ये उनके जो मैनिफेस्टो वाली वीडियो थी, अगर अभी ना भी बनाऊं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो उनकी वीडियो ज़रूर देखें। उनकी वीडियो में हर जगह हर बात पर वो कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद इन दोनों से है, कांग्रेस पार्टी से, महागठबंधन से, राहुल गांधी से, बीजेपी को मैं साइड करता हूँ, ऐसे ऐसे टोन में उन्होंने यूज़ किया। खैर अभी उनकी बात नहीं चल रही है, लेकिन क्योंकि ये कुछ एक कांग्रेसी एक ग्रुप है पूरा, ये मेंटालिटी ऐसी है कि इस देश में कोई भी अच्छा काम करना चाहे या कोई नॉर्मल, अब इन लोगों को क्या आप सेकुलरिज्म पर लोग मुद्दा उठाएंगे और सिखाएंगे कि आपको सेकुलर होना चाहिए, सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती किसी को। और ये वर्ड यूज़ कर करके पहले बीच में इंटॉलरेंट फेमस किया वर्ड, फिर सेकुलरिज्म को मुद्दा बना के कि बीजेपी कम्युनिस्ट पार्टी है। अब एक क्रिएट किया जा रहा है माहौल, एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है बीजेपी के लिए, हर बार पिछली बार भी बनाया गया था, इस बार भी यही यूज़ किया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर यही सेकुलरिज्म का झंडा लहराना था तो राहुल गांधी ने या फिर कांग्रेस पार्टी ने, आप जो मेरे पिछली वाली वीडियो में देख लिया हो आपने, अगर ना देखा हो तो मैं स्क्रीनशॉट फिर से ऐड कर दूंगा, कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, स्टेट का वो मैनिफेस्टो था तेलंगाना का शायद, तो उस मैनिफेस्टो में क्यों सब कुछ पूरा मुसलमानों के ऊपर सब कुछ था, इन मस्जिदों को ये इन मुसलमानों के लिए ये, मुसलमानों के लिए ये, ऐसा क्यों था? वो एक इस्लामिक स्टेट नहीं है और इंडिया में कोई भी इस्लामिक नहीं हो सकता, तो इतना सेकुलरिज्म का उनको अपना परचम लहराना था, तो फिर सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर कोई भी फैसिलिटी या फिर कोई भी प्लानिंग ये सब डेवलपमेंट के लिए ये सब ना लाते। और जब से मोदी जी आए तब से हिंदू मुस्लिम राइट या फिर किसी भी तरह का दंगा जब से आए हैं तब से तो बंद हो चुका है, ना के बराबर है। अगर कहीं होता भी है तो शायद किसी और कारण से होता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम कारण से नहीं हो सकता। और इस बात से मुस्लिम भी बहुत खुश हैं, उनका भी बहुत सारा ये कहना है, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा है। अब मैं घर घर के जाके पूछ तो नहीं सकता, लेकिन एक बार मैं पूछूंगा भी और वीडियो बनाऊंगा तो डालूंगा, आपको दिखाऊंगा। उन लोगों ने कहा था कि जब से मोदी जी आए हैं तब से हमारी इमेज भी काफ़ी सुधरी है, मुस्लिमों को आतंकवादी समझा जाने लग गया था, इतने दंगे हो रहे थे कि मुस्लिमों को इससे बुरा समझाने लग गया था, तो मोदी जी की वजह से हमारी इमेज बदली है। तो मुस्लिम भी खुश हैं, हिंदू भी खुश हैं, कोई राइट नहीं है। लेकिन तब भी पार्टियाँ बेसलेस आर्गूमेंट दे के, बेसलेस इल्ज़ाम लगा के, एलिगेशंस लगा के सिर्फ बदनाम करने की राजनीति करती हैं। खैर आज नरेंद्र मोदी पिक्चर रिलीज़ हुई है, देखते हैं उसमें क्या दिखाया है, उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आएगी लोगों की। बाकी चुनाव आ ही रहा है, 2014 में जैसे मुस्लिमों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया था कि वो वैसे भी शॉक रह गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, और ये प्रूफ हो गया कि कोई मुस्लिम उनके खिलाफ नहीं है या फिर कोई भी धर्म की राजनीति वो नहीं कर रहे, सबने वोट दिया मिलजुल के, क्योंकि सबको डेवलपमेंट चाहिए था और मोदी से काफ़ी उम्मीदें थी और कांग्रेस से सब परेशान थे। कांग्रेस से परेशान लोग अभी भी हैं जस्ट बिकॉज इस 5 साल में कांग्रेस का कोई काम नहीं देखा, क्योंकि कांग्रेस कहीं काम करने लायक बची नहीं थी। तो मोदी को तो काम करते हुए देखा है, और जाहिर सी बात है फिर से चुनाव आ रहा है और फिर से लोग अपना मन बनाएंगे और मोदी लहर फिर से बनी गई है। खैर मैं इनमें बस इतने ही रिक्वेस्ट करूँगा कि
अगर मोदी ने कुछ अच्छा काम किया है और पूरी दुनिया सराह रही है, अपने हर कंट्री, लगभग बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने अपने देश का बड़े से बड़ा ऑनर मोदी को दिया है, और अभी सियोल पीस प्राइज़ मिला, इतनी सारी चीज़ें अगर मोदी को बाहर की दुनिया रिकॉग्नाइज कर सकती है तो हम लोग देश में बैठ के उस सपोर्ट तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव में लोग ये सब चीज़ों को साइड में रख के, मतलब मतभेद को, हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस को, हर चीज़ साइड में रख के डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर वोट देंगे, और जितने ज़्यादा ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे वोट देने के लिए, उतनी ही मजबूती से किसी भी सरकार को लाएंगे। तो जिस सरकार को लाना है बहुत मजबूती से लाना, ताकि वो भी कल को काम कर पाए, ऐसा ना लगे कि आई तो है बस नाम के आ गए, उसके पास कोई पावर नहीं। खैर, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।